वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा बुलेरो नियो, जो कि एक 7 सीटर SUV है, एंड हम कंपेयर करेंगे इसको महिंद्रा बुलेरो नियो प्लस से, जो कि एक 9 सीटर SUV है जो महिंद्रा ने फिलहाल में ही लॉन्च करी है। सो मेरा कंपेरिजन फुल डिटेल में होने वाला है, इंक्लूडिंग इट्स डायमेंशंस, एक्सटीरियर लुक्स, इंटीरियर, सेफ्टी वाइज, इंजन वाइज, मतलब कि हर एक सिंगल डिटेल कंपेयर करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। पर उससे पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पे एकदम न्यू हैं, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अगर कंपेयर करें इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, आपको नॉर्मल बुलेरो नियो में 3995 mm की लेंथ मिलेगी, ऑन द अदर साइड प्लस में आपको 4400 mm की, यानी कि 4400 mm की। यही मेन डिफरेंस है, बाकी आपको विड्थ एंड हाइट ओवरऑल सेम ही देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में, यानी कि इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पे आपको प्लस मॉडल थोड़ा ज़्यादा लंबा देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे 400 mm का डिफरेंस है, बाकी आपको कोई भी खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स की, फ्रंट लुक में आपको इन दोनों गाड़ियों में सेम टाइप ऑफ हेलोजन हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद फॉग लाइट, एंड ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है, पर आपको बम्पर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इन दोनों गाड़ियों में 16-inch के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, बाकी आपको बॉडी कलर्ड ORVM देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको इन दोनों गाड़ियों में फुट स्टेप प्रोवाइड किया जाएगा, पर आपको ओवरऑल लेंथ बुलेरो नियो प्लस में थोड़ी ज़्यादा लंबी देखने को मिलेगी। एंड बैक लाइट में भी डिफरेंस है, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, बैक लाइट यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा विजिबल होगी साइड से प्लस मॉडल में। रियर प्रोफाइल में आपको खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस बम्पर का डिफरेंस होने वाला है, एंड आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे बुलेरो नियो प्लस में, यानी कि वो माइनर सा चेंज है, साइड से ज़्यादा नज़र आता है। उसके साथ आपको रूफ में नॉर्मल एंटीना प्रोवाइड किया जाएगा, इन दोनों गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स या फिर सनरूफ जैसा ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इन दोनों गाड़ियों में। अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की, जैसा कि आप सामने इन दोनों गाड़ियों का डैशबोर्ड देख ही पा रहे होंगे, आपको मोस्टली बिल्कुल सेम डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैनुअल AC जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ऑल 4 पावर विंडोज, फ्लिप की, मैनुअल IRVM, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होने वाला है, आप नॉर्मल बुलेरो नियो में सिर्फ 7 persons बिठा पाएंगे, ऑन द अदर साइड प्लस मॉडल में आपको थर्ड रो में काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाती है, वहाँ पे आप मज़े से 4 बंदे बिठा पाएंगे, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। बाकी आपको ओवरऑल डैशबोर्ड में कोई भी खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा, फर्क यही है कि सीटिंग कैपेसिटी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, यानी कि मेन जो डिफरेंस है वो थर्ड रो का डिफरेंस है, वहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगी बुलेरो नियो प्लस में। अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, आपको इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ 2 एयरबैग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ आपको ABS/EBD जैसे नॉर्मल फीचर्स सभी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, इंजन ऑप्शंस में आपको नॉर्मल बुलेरो नियो में, यानी कि जो छोटी वाली बुलेरो नियो है, उसमें आपको सिर्फ 1.5 लीटर डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी पावर है अबाउट 99 BHP एट द रेट 260 Nm ऑफ टॉर्क विद 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड ये इंजन आपको 3 सिलेंडर्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें बुलेरो नियो प्लस की, वहाँ पे आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन की जगह अब 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि फुल फ्लेज 4 सिलेंडर्स इंजन होने वाला है, जिसकी पावर होगी अबाउट 120 BHP एट द रेट 280 Nm ऑफ टॉर्क। इसकी बड़ी बात यह है, इस गाड़ी में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इसमें आपको 6-speed के साथ 4 सिलेंडर्स देखने को मिल रहे हैं, जो इसका प्लस पॉइंट है, एंड ये ज़्यादा बड़ा इंजन है, जिससे कि इस गाड़ी में आपको ज़्यादा पावर फील होने वाली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बुलेरो नियो। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ आपको रेयर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ अवेलेबल हो जाती है, 4x4 का ऑप्शन आपको इन दोनों गाड़ियों में नहीं देखने को मिलता। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन महिंद्रा बुलेरो नियो एंड प्लस के बीच में। बाकी आप इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस देख ही पा रहे होंगे,
अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के कमियों की, वो मुझे ये लगी कि सेफ्टी वाइज आपको इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, 6 एयरबैग्स के ज़माने में सिर्फ 2 एयरबैग्स। तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। उसके साथ अगर हम बात करें कम्फर्ट की, यहाँ पे आपको इन दोनों गाड़ियों में रियर एसी वेंट्स जैसा फीचर नहीं देखने को मिलता, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बेकार चीज़ लगी। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में कोई और ड्रॉबैक लगा या फिर प्लस पॉइंट, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कैसा लगा मेरा कंपैरिजन कमेंट में ज़रूर बता देना। इस वीडियो को इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, एंड ऐसी और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए आप काफोस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।